अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ में मैं हूँ आपके साथ आयशा ज़ुल्फ़िकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। ईद पर लोड शेडिंग ना करने की खुशखबरी, पेट्रोल महंगा होगा ना सीएनजी स्टेशन बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं की आराजी पर तमाम तजावजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 30 सितंबर तक असासों की तफसीलात जमा न कराने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया। लाहौर में मां और बेटा कत्ल, शुजाबाद में थाने से फरार होने वाली दो बच्चों की कातिल मां फिर गिरफ्तार। डेरा गाजी खान में ट्रक ने 5 बच्चों को कुचल डाला, मीरपुर में 4 बच्चे वाटर टैंक में गिरकर जान बहक। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए 5 कोर के तहत कराची में मुश्तरका मशकें। कराची के इलाके लांडी में टेक्सटाइल मिल में बॉयलर फटने से 7 अफराद जख्मी हो गए। शहर कायद में मजीद 1 मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक, मुतासर अफराद की तादाद 143 हो गई। कौम आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार, घर और बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे स्क्वाड तैयार, यूनस और उमर गुल की छुट्टी, शुएब मलिक और कामरान अकमल जगह बनाने में कामयाब। और कहीं रोशनियों के जलवे कहीं अंधेरे का राज, नासा ने जमीन की दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। दुनिया न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही, अभी आप देखिए इफ्तार ट्रांसमिशन रौनक-ए-रमज़ान।